हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। तो दोस्तों, आपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए कई ब्यूटी प्रोडक्ट काम में लिए होंगे या फिर कई ब्यूटी टिप्स भी काम में लिए होंगे। अगर हम ब्यूटी टिप्स की बात करें तो सबसे पहले चेहरे की सुंदरता की बात की जाती है। औरतों के साथ साथ मर्दों को भी अपने फेस की काफ़ी चिंता रहती है, और इसी चिंता में क्या औरत क्या आदमी, सभी लोग बाजार के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। महंगे विज्ञापनों के चलते यह प्रोडक्ट भारी मात्रा में बाजार में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप बिना किसी क्रीम या पाउडर के इस्तेमाल किए भी अपने चेहरे को सुंदर बना सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, चमकते चेहरे के लिए आप कई तरह के कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करते हैं। फेसियल, फेस पैक, फेस मास्क, पील ऑफ, स्क्रब के लिए आप कई तरह के घरेलू उपचार भी आजमाते होंगे, और इन उपायों से हमेशा दमकता चेहरा मिले ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार कॉस्मेटिक केमिकल युक्त क्रीम्स आपके चेहरे पर रिएक्शन कर सकती है और आपके चेहरे को खराब भी कर सकती है। तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आए हैं जिससे आप अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेहद आसान घरेलू नुस्खा है, इससे आप अपने चेहरे को बिल्कुल सुंदर बना सकते हैं, साफ सुथरा बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि वह क्या चीज़ है जिससे आप अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों, चेहरे की सुंदरता खराब होती है गंदगी से। चेहरे पर जम गए ऑयल्स के कारण, चेहरे पर जम गई डर्ट्स यानी धूल मिट्टी के कारण, डेड स्किन के कारण आपका चेहरा मुरझाया हुआ लगता है, बेजान सा लगता है, या फिर ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स के कारण भी चेहरा खराब होने लगता है। तो चेहरे के खराब होने के मुख्य कारण है डर्ट्स, ऑयल्स, डेड स्किन, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स। तो यदि आपके चेहरे से डर्ट निकल जाए, ऑयल निकल जाए, जमा हुआ ऑयल यदि निकल जाए, डेड स्किन निकल जाए, ब्लैक हेड्स निकल जाए और वाइट हेड्स निकल जाए, तो निश्चित ही आपका चेहरा साफ सुथरा और खूबसूरत दिखने लगेगा। और ये सारी चीज़ें आप मात्र एक छोटे से नुस्खे से कर सकते हैं, और इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सामग्री है बेकिंग सोडा और नींबू का रस। जी हाँ दोस्तों, बेकिंग सोडे को स्किन के लिए फाइन ग्रिटी टेक्सचर मास्क के रूप में सबसे ज़्यादा बेहतरीन मास्क माना जाता है। जब आप बेकिंग सोडा से स्क्रब करते हैं तो यह आपकी स्किन की टोन को बनाए रखने में मदद करता है। यह आपके स्किन से ब्लैक हेड्स को निकालने में मदद करता है और वाइट हेड्स को निकालने में भी मदद करता है। नींबू में विटामिन सी और साइट्रिक एसिड पाया जाता है। यह एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट माना जाता है और स्किन पर जम गए ऑयल्स को निकालने के लिए इसमें नेचुरल प्राकृतिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड जिसे हम कहते हैं। साइट्रिक एसिड की सहायता से आप अपने चेहरे की त्वचा पर जमी हुई गंदगी को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। बेकिंग सोडे का स्क्रब इसमें सहायता करता है। बेकिंग सोडा आपकी चेहरे की टोन को बनाए रखता है और नींबू का रस आपके चेहरे की गंदगी को निकाल कर आपके चेहरे की स्किन को टाइट करता है, आपके चेहरे की स्किन को क्लीन करता है। तो इसके लिए आपको एक मास्क तैयार करना है। मास्क को तैयार करने का तरीका काफ़ी आसान है। आपको 2 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है और 1 चम्मच नींबू का रस लेना है। इन दोनों पदार्थों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसके बाद में जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके मास्क को आपको अपने चेहरे पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। यदि आपको अपने चेहरे पर जलन महसूस होती है तो आप 20 मिनट से पहले भी इसे धो सकते हैं। जब यह सूख जाए तो आप अपने मुँह को, अपने फेस को ठंडे पानी से साफ कर लीजिए। सप्ताह में 1 बार ही इसका प्रयोग कीजिए। सप्ताह में 1 बार नियमित रूप से इस प्रयोग से आपकी स्किन की गंदगी निकल जाएगी, ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे और वाइट हेड्स हैं तो वाइट हेड्स भी निकल जाएंगे। तो लगातार सप्ताह में 1 बार इसके प्रयोग से आपके चेहरे की त्वचा निखर उठेगी और आपका चेहरा खूबसूरत होने लगेगा। आप करके देखिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए
और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।